हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाइट एंड फिटनेस में। मेरा नाम आकांक्षा और मैं आज आपको बताऊंगी कि शरीर को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सजीवों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं चलती है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो हम सबको पता है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो जो आहार हमारे शरीर को जो भी आवश्यक पोषक तत्व है वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को रोज आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे शरीर को रोज 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 7 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिंस, मिनरल्स और पानी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ये ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देते हैं, तो इसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और विटामिंस और मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर को थोड़े कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, इसके लिए हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और उसी के साथ पानी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कर्बोदक जिसे बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है, और उसी के साथ साथ ये पाचन में भी मदद करता है, तो पाचन के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका जो रोज का आहार है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का समावेश सबसे ज्यादा करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में गेहूं है, चावल है, साबुत अनाज है, आलू है, ये सारी चीजें आती है। तो ज्यादा करके हम देखते भी हैं कि हमारे आहार में गेहूं और चावल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे शरीर को जो पोषक तत्व देता है उससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, और उसी के साथ साथ जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की उनके निर्माण और विकास में प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शाकाहारी लोगों के लिए सारी दालें हैं या फिर सोयाबीन है, दूध के पदार्थ है, ये सारे पदार्थों का समावेश आपने आपके आहार में करना है। फिर तीसरा है फैट। तो बहुत सारे लोगों का ये समझ होता है कि फैट्स यानी कि वसा अगर हम लेते हैं हमारे आहार में तो उसका हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे तेलों का इस्तेमाल करते हो तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं, लेकिन फैट्स का यानी कि वसा का इस्तेमाल हमें हमारे आहार में कितना करना चाहिए ये ज़रूर हमें डिसाइड करना है। तो जितना कि आवश्यक हो उतने ही तेल का उपयोग हमें करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आहार में। तो इसके लिए अच्छे फैट्स मतलब गुड फैट्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि तेल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, या फिर कुछ कुछ नट्स होते हैं जिनसे भी ऑयल्स मिलते हैं हमें, ऐसे अच्छे फैट्स का इस्तेमाल आपको करना है। तेलों में अगर हम कहें तो जो हमारे ऑयल्स आते हैं अच्छे अच्छे बाजार में, जैसे कि सूर्यफूल है या फिर मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, यही सारे इंडियन तेलों का इस्तेमाल आपने आपके आहार में करना है। और ये ज़रूर याद रखना है कि सैचुरेटेड फैट से हमें दूर रहना है, मतलब जो बाहर की चीज़ें हम खाते हैं उसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। फिर है विटामिन्स। तो विटामिन्स बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे आहार का, क्योंकि ये हमारे शरीर की ग्रोथ यानी कि विकास में मदद करते हैं, और उसी के साथ साथ हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। तो बीमारियों से अगर आपको दूर रहना है तो आपने आपके आहार में विटामिन्स का समावेश अच्छे से करना चाहिए। तो विटामिन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ज़्यादा करके फल है, सब्जी है, ये सारी अलग अलग प्रकार की अगर आप फल और सब्जी खाते हो तो उससे अच्छी मात्रा में सारे विटामिन्स मिलेंगे। फिर है मिनरल्स यानी कि खनिज। तो मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के सारे कार्य ढंग से करने के लिए। मिनरल्स हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रखते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो मिनरल्स मिलते रहने के लिए आपने आपके आहार में फल, सब्जी, मांस मच्छी और दूध के पदार्थों का समावेश करना चाहिए। फिर है पानी। तो पानी हमारे जीवन के साथ साथ हमारे शरीर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है,
क्योंकि ये हमारे शरीर का तरल संतुलन बनाए रखता है और उसी के साथ साथ हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं तो जो हम पदार्थ खाते हैं उनके पचन और उसी के साथ साथ सारे पोषक तत्वों के वहन में भी पानी बहुत ही काम आता है। तो पानी हमारे जीवन के साथ साथ हमारे शरीर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के तरल का संतुलन बनाए रखता है और उसी के साथ साथ हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो ये पचन के लिए भी काम आता है। हम जो भी पदार्थ खाते हैं उसके पचन के लिए और सारे पोषक तत्वों के वहन के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे वो सारे पोषक तत्व जो हमें हमारे आहार में रोज़ लेने चाहिए। तो ये थे वो सारे पोषक तत्व जिसकी हमारे शरीर को रोज़ आवश्यकता होती है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगी, क्योंकि आप अब बोलोगे कि कितने प्रमाण में ये सब लेना है। तो ऐसा है कि व्यक्ति का वय यानी कि उम्र और उसकी जैविक क्रियाओं के अनुसार अलग अलग प्रमाण में हम सबको ये सब पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर वयस्क जो होते हैं उनके लिए एक अलग प्रमाण तय किया है। तो उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रमाण में ये सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जनरली अगर हम बोले तो माय प्लेट का कंसेप्ट मैंने एक मेरे वीडियो में बताया था, वो आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि कितने प्रमाण में आपको क्या क्या लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलें। उसी के साथ साथ अगर आपका कुछ फीडबैक है, कुछ सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।